उज्जैन के आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई कर्मी से भाजपा पार्षद के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी। इस बात की जानकारी लगते ही सफाई कर्मचारी इकट्ठा हो गए और देवास गेट पर चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी की। उज्जैन के वार्ड क्रमांक 18 के भाजपा पार्षद सैफाली राव के पति राकेश राव ने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी विवेक जैन को फोन करके बताया था कि उनके वार्ड में ठीक ढंग से सफाई नहीं हो रही है। इस पर जैन ने कहा कि वे स्वयं स्थिति देखने थोड़ी देर बाद सामाजिक न्याय परिसर पहुंच रहे हैं। जब जैन सामाजिक न्याय परिसर पहुंचे तो वहां पर मौजूद पार्षद पति राकेश राव एवं उनके साथियों ने जैन से अभद्र व्यवहार किया और झुआ झटकी करते हुए मारपीट की। इस दौरान एक सफाई कर्मी तारा चंद परमार ने बीच बचाव का प्रयास किया तो राकेश राव और उनके साथियों ने सफाई कर्मी तारा चंद के साथ भी मारपीट कर दी। सामाजिक न्याय परिसर में मारपीट होने की जानकारी जैसे ही अन्य सफाई कर्मियों को लगी, बड़ी संख्या में सफाई कर्मी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पार्षद पति व उनके साथियों द्वारा की गई मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किए जाने की निंदा करते हुए जमकर हंगामा किया और देवास गेट पहुंचकर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया। क्या होता है, कई जगह ऐसी होती है क्या, अब तुमको बताओ। हंगामे की सूचना के बाद निगम कमिश्नर आशीष सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और पार्षद पति के खिलाफ FIR दर्ज करने का आश्वासन दिया है। वार्ड नंबर 18 के जो पार्षद पति हैं राकेश राव, उनके द्वारा मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे मारा पीटा गया। वो गुंडे लेकर आए थे, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, मेरे कपड़े फाट डाले, मेरे मैट के कपड़े फाट डाले, चैन भी छीनने का प्रयास था, मेरा मोबाइल टूट डाला जिसकी मैंने शिकायत दर्ज कराई है थाने में। एक वार्ड में एक पार्षद पति के द्वारा हमारे हेल्थ ऑफिसर और दो तीन और सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला संज्ञान में आया है, बहुत ही गंभीर मामला है। गौरतलब है कि उज्जैन नगर निगम में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा महिला पार्षद हैं और जिनमें से 2-4 महिला पार्षद को छोड़ दिया जाए तो बाकी महिला पार्षदों का कामकाज उनके पति, बेटे या देवर देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज, उज्जैन।